पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल काफी जी, प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नसीमो सिद्दीकी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक दिवसीय जो उपवास रखा गया है, आज इस सरकार के अपील करने के लिए रखा गया है। जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो क्रूरतापूर्वक जो वहाँ के लोगों ने महिलाओं के साथ जो हरकत करी है, उनको मतलब सख्त से सख्त उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को कम से कम जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, कम से कम नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। जरा एक माह से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो उन दरिंदों के खिलाफ कोई भी सज़ा सुनाई गई हो या कोई कार्रवाई आगे चली हो। खाली पकड़ने से काम नहीं बनेगा, उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मिसाल बननी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसे दरिंदे हैं वो कम से कम कुछ ऐसे काम करते हुए, क्रूरता करते हुए भी थर्राएँ, उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं और इस उपवास के माध्यम से हम लोग आज सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि ऐसे लोगों को अगर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो आगे जो लोग और हिम्मत करेंगे उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके खिलाफ, और कड़े से कड़े उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बरीलाल खाबरी जी और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के निर्देश पर आज ये उपवास का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मौलवाद में जिला और महानगर कांग्रेस के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है सुबह 10 बजे से, और हम लोग उपवास पर बैठे हैं। जो मणिपुर में घटना हुई है महिलाओं के साथ, एक शर्मनाक घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस प्रकार की घटनाएँ दुनिया में नहीं हुई होगी, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये उपवास किया है और मांग की है कि मणिपुर की सरकार इसको तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दें वहाँ, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 4 मई का शायद ये घटना है, 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जबकि भीड़ ने सब ये काम कार्यक्रम किया। तो हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना हो सके। नहीं, ज्ञापन तो कोई नहीं है, उपवास है, जैसा आदेश ऊपर का है उसमें उपवास है। हमारे महानगर के अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेयर प्रत्याशी रहे रिजवान कुरैशी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, गौसिया जी और रिंकी सैनी जी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी मांग महिलाओं को लेकर है, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, मैं उनके हक में अपील चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है कि मैं उनके लिए निर्वस्त्र घुमाया है, उनको उन लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए सख्त। जो वहाँ कान आँख मूंद के बैठा हुआ था, तब पता नहीं चली थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, और अब इस आवाज़ को उठा रहे हैं, और वो भी ऐसी महिलाओं के साथ जो घटना, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी की सुरक्षा करो, क्या नारी की सुरक्षा है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगी कि वहाँ का आपका शासन, जो तमाम क्षेत्रों में शासन प्रशासन लगा हुआ होता है, उस घटना को रोकी नहीं जाती जहाँ उन भीड़ ने इस तरीके से ये घटना कर दी। और जब बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है तब सब लोग इस घटना को लेकर अफसोस के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, अफसोस जता सकते हैं। महिलाओं के लिए आगे ये चाहेंगे ऐसी घटना और ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए कभी ऐसी घटना ना हो, उनको सजा दें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, बस यही हम कहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।